तो आपने सिलेबस की रस्सी को पकड़े रखना है और वन आफ्टर अनदर सब्जेक्ट आपने अच्छा, इस तरह और जाते चीज कि सिंस यू नो लैला पास्ट हर सीएसएस और सिंस वी हैव बीन हियरिंग इट, हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि भाई अंग्रेजी सीएसएस में फेल करते हैं. इवन व्हेन आई वाज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, सो दिस वाज द मोस्ट हर्टिंग एंड आई न्यू इट. एंड आई एज यू सेड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आप ग्रामर को साथ लेके चलते हैं. लेकिन व्हाई डू यू थिंक इज इट सो, क्यों ऐसा है कि स्टूडेंट्स इन सच अ ह्यूज नंबर एवरी सिंगल ईयर, मतलब जब से सीएसएस हम जब से सुनते आ रहे हैं तब से इंग्लिश को फेल कर रहा है, खास तौर पे ग्रामर और ऐसे ऐसे तो होता ही है, लेकिन ग्रामर भी साथ फेल होना, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन? क्योंकि एक जब आप एस्पायरेंट होते हैं ना, आपको पता हो कि सब्जेक्ट इस वजह से फेल होता है, तो आप उन चीजों को काउंटर करते हैं, यू वर्क ऑन इट एंड देन यू यू नो make sure that you clear that paper. So what in your view is the reason that since forever English fail ho raha hai? Why is it so? इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है विच आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम माय पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, वो ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई फाउंड. कुछ बच्चे होंगे, देखिए हर कोई एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता, फाइनेंशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. कुछ बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल्स के पढ़े होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं चांस मिल पाता कि वो अच्छे स्कूलों से पढ़ें, पहला फैक्टर तो ये है. बट लेट मी ब्रेक इट टू यू, मेरे स्टूडेंट्स में हमेशा ज्यादा पॉपुलेशन उन बच्चों की रही है जो उर्दू मीडियम या किसी ऐसे स्कूल से पढ़े थे जहां अंग्रेजी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो डरते थे और वो पढ़ते थे. तो जब जो मेहनत कर रहा है वो पास ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना. दूसरी कैटेगरी आती है जी अच्छे स्कूल्स की. अब आई विल नॉट बी नेमिंग एनी नेम्स हियर, बट द प्रॉब्लम इज कि आज की डेट में जो अच्छे इंग्लिश के स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे अमेरिकन इंग्लिश फॉलो की जा रही है, स्टाइल बन गया है. यहाँ कोई आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, या नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हैं या वॉट एवर, लेकिन हॉलीवुड की वजह से, बिकॉज मे बी आपके जितने भी सीजन हैं, जितनी भी मूवीज हैं, दे आर ऑल अमेरिकन मोस्ट ऑफ देम. तो जब आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेंगे, जब आप अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर ब्रिटिश इंग्लिश इज टू बी फॉलोड प्रोफेशनली, लेटर राइटिंग में, फ्यूचर में आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे होंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशंस में, आपके स्पेलिंग्स में, हर चीज ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होनी चाहिए. तो अब अच्छे अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे जब ठीक ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखेंगे, सब कुछ करेक्ट होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, लेकिन वो इंग्लिश अमेरिकन होगी. क्रिटिसाइज को सी आई जेड ई, हम सी आर आई टी आई जेड ई लिखते हैं, दैट इज अमेरिकन, एस के साथ ब्रिटिश है. एंड दिस इज द वेरी कॉमन एरर जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स में भी हो रहा होता है. तो बात यह है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि यू फॉलोइंग द ब्रिटिश इंग्लिश. एक तो हो गए बच्चे जिनके अपना उनको चांस नहीं मिल पाया कि वो अच्छे स्कूलों से पढ़ पाते, तो वो लोग कम चांसेस हो जाते हैं उनके, अगर उन्होंने सीएसएस के टाइम पे तैयारी ठीक नहीं की. दूसरे नंबर पे जो अच्छे स्कूल्स इंग्लिश के लोग हैं, उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दे आर फॉलोइंग द ब्रिटिश द अमेरिकन इंग्लिश व्हिच शुड नॉट बी फॉलोड इन द सीएसएस. दिस इज द मेन फैक्टर. एक मैं दो माइंडसेट्स की बात करना चाहूंगी. बहुत सारे एस्पायरेंट्स, क्योंकि आज हम इंग्लिश की डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स एक ही जहन होता है कि यार मैं तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ा है, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैंने फलाना ऐसे कंपटीशन जीता हुआ है, मेरी ग्रामर की बचपन से लोग तारीफ करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा जबरदस्त लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, और मुझे इतना कोई, मैंने आउटलाइन देखी, अच्छा प्रेसी है ये, तो मैंने कब से ओ लेवल्स में भी की या मैट्रिक में भी की, अच्छा ये सेंटेंस करेक्शन है दैट इज ऑन माई टिप्स, ट्रांसलेशन है यार वो तो हो जाएगी, तो ना मुझे तो कोई इतनी जरूरत नहीं है, और दो तीन लोगों को सुन लिया कि हाँ जी हमने बस दो महीने ऐसे देखा था, हमने तो प्रेसी पास कर ली थी, इंग्लिश की तो इतना कोई जरूरी नहीं है. इस माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई एस्पायरेंट का ऐसा है कि यार ऐसी इतना मुश्किल आउटलाइन देखो सिंपल है और मैं तो अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है, आई डोंट नीड इट, तो मैं बस हल्का सा भी आखिरी दो दिसंबर से आई स्टार्ट और फरवरी तक दो महीने में मैं आई कैन डू इट. सो व्हाट इज योर मैसेज और व्हाट इज योर टेक ऑन सच माइंडसेट? ये जो है ना, जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रॉब्ली माई स्टूडेंट्स आर हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, दे हैव जस्ट, उनके जहन में शायद मेरा ये स्टेटमेंट घूम भी रही होगी. जब मैं पहला लेक्चर लेती हूँ जिसमें मैं
बच्चों को इंट्रो दे रही होती हूँ, मैं उस टाइम पे ये बात बच्चों से कहती होती हूँ कि जितना मखौल आप अंग्रेजी के साथ प्रिपरेशन के दौरान करेंगे, पेपर वाले दिन अंग्रेजी में आपके साथ उतना मजाक कर देंगे. द मोर यू गोइंग टू टेक इट सीरियस इन योर प्रिपरेशन, आपको उसने पेपर वाले दिन फिर उतना ही सीरियस ले लेना. तो ऑल दोज हु थिंक, देखें बात ये नहीं है, योर इंग्लिश इज गुड, बेहतरीन हो गया, आपकी स्पेलिंग्स अच्छे हैं, आपको ग्रामर अच्छे हैं, आपको टेंसेस आते हैं, बहुत अच्छी बात है. प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा दे विल टेल यू टू राइट अ प्रेसी. अब आप प्रेसी राइटिंग के रूल्स ही नहीं जानते, जितनी मर्जी आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए इंडेंटेशन नहीं डाली तो बात खत्म हो गई. आपका चेकर ने आगे शायद चेक भी नहीं करना कि यार जिसको इंडेंट करने का सेंस नहीं है तो क्या करें, उसको आगे क्या चेक करना. तो बात यह है, टाइटल कैसे लिखना है, आपकी अंग्रेजी टाइटल की बिल्कुल ठीक होगी, बट टाइटल के रूल्स हैं, यू डोंट अंडरलाइन इट, यू डोंट पुट इट इन द इनवर्टेड कॉमास, यू डोंट कैपिटलाइज द होल ऑफ इट, ये सब कर रहे होते हैं. तो प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश नहीं होगा, उसकी ग्रामर में इशू नहीं होगा, उसका इशू रूल्स में आएगा जो कि सीएसएस के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स फॉलो करने. तो ये इशू है. दूसरा माइंडसेट की तरफ चलते हैं कि जी मैंने तैयारी शुरू की लेकिन मुझे पता चला कि अंग्रेजी का पेपर है और मैं तो उर्दू मीडियम, या मेरी तो अंग्रेजी ठीक ही नहीं, मेरे तो टेंस नहीं ठीक, मैं एकेडमी में गई वहां पे लोग फर अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपस में भी बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि बर्तानिया से उठ के कोई लोग आ गए हैं या अमेरिका से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के पीछे नाम है, और जब वो क्लास में कोई बात होती है, बात करते हैं तो हम तो आगे कुछ बोल ही नहीं सकते, और चार पांच लाइनें लिखने के बाद हमें समझ नहीं आती कि आगे हम पीछे पास्ट में लिख रहे थे, आगे हम फ्यूचर में जाएं या उसी टेंस को रखें, और ये बड़ी नामुमकिन सी बात है भाई, ये बहुत एज है यू नो एक सेट ऑफ क्लास के पास के वो अच्छे स्कूलों यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, अंग्रेजियां उनकी ठीक होती है कर लेते हैं, एंड देयर इज नो फ्यूचर फॉर यू नो अस, और हम से सीएसएस ना हो सकता है और ना ही तो हम वो पेपर पास कर सकते हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता. तो ये एक दूसरा माइंड सेट है, इस पे व्हाट इज योर टेक? माय टेक इज दैट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 4 years आई बिलीव, और उस 4 सालों में आई गारंटी यू, मतलब with all the proofs that I can present, if I have any, के आप मैंने personally जो उर्दू medium या ऐसे बच्चे जो के जरा underprivileged थे, जो अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़े हुए थे और इस तरह का mindset होता था, उन्होंने CSS pass ज्यादा किया है percentage में in comparison to those जो के बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए थे. इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे they keep हमारी इंग्लिश अच्छी है, वी डोंट नीड मच एनर्जी ऑन दैट, वी डोंट नीड मच टाइम टू प्रैक्टिस दिस एंड दैट एंड दैट, दिस इज वॉट फेल्स देम. और जो उर्दू मीडियम के हैं या कोई इस तरह के स्कूल से हैं जिनको लगता है कि हमारी अंग्रेजी ठीक काम अंग्रेजी पे नहीं हुआ था स्कूल टाइम पे, जितना मैंने उनको इंग्लिश को सीरियस लेते हुए देखा है इतना मैंने किसी को नहीं देखा. मैं आपको बता रही हूँ कि आई विश आई हैड स्टैट्स, अब मैं आज से शायद ये रखना स्टार्ट करूंगी. मेरे वो सारे स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम के थे, मेरे वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी बहुत बड़े हाई फाई स्कूलों के नहीं थे, दे ऑलवेज क्वालिफाइड सीएसएस मोर, मैंने उनकी पॉपुलेशन ज्यादा देखी. क्योंकि जब आप क्लासों में बैठते उठते हैं, जब आप करते हैं, तो एक बड़ा ये कॉमन माइंडसेट और ये एक बड़ा सवाल मैंने भी देखा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है दिमाग इस तरफ की, ये बोल नहीं, मेरी तो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, मैं तो अंग्रेजी से फर बोल सकती, तो मैं लिखूंगी क्या? और फिर आप सिविल सर्वेंट्स के इंटरव्यूज देख रहे होते हैं यूट्यूब पे आगे पीछे, वो भी बड़ी कमाल जबरदस्त वोकैबुलरी, बड़ा अच्छा बोलना, तो आप कहते हैं यार मैं तो ये नहीं बन सकता, मेरी तो अंग्रेजी आई कांट डू इट. तो इस मैं बताती जाऊं कि बहुत सारे लोग अपना स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम, अपने वोकैबुलरी के ऊपर काम सीएसएस पास होने के बाद भी करते हैं. तो अगर हो रहे हैं, आप जब सीएसए में ट्रेन होंगे इंशाल्लाह, आप जब बैठ और ऐसी जेंट्री में रहे होंगे जहां पे आपकी सारे आप नया अच्छा वर्ड सुनेंगे, किसी के मुंह से आप जाके सर्च करेंगे, मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दैट. सो दैट्स नॉट, हाँ ये कि किसी ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए बंदे से आप इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन और मे बी बेटर देन दैट पर्सन इन टाइम्स टू कम. तो ये उसको भी पहले